इधर पे है, ये सरकाओ, इसमें थोड़ी है बाकी उस बाल्टी में, ये रही। किचन गंदी हो रही यार, थोड़ी ही बना लो। वेलकम बैक टू माई चैनल, और मैं हूँ आपके प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपने देखा अभी 12 बज रहे हैं, ये बना रहे हैं भेल। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि समोसे मैंने बनाए थे, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, मैंने सबके नाम लिए थे और फिर समोसे खाने के बाद हमें कोई भूख थी नहीं। वैसे समोसे का आटा भी रखा है और समोसे आलू वालू भी रखा है, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया था। तो फिर हम लोग अपने अपने काम कर रहे थे, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, 2 व्लॉग आज मैंने बनाए, एक सवाल जवाब वाला किया, तो वो कल आएगा, ये बाद में आएगा, ये बहुत बाद में आएगा, 2-3 दिन बाद आएगा। तो फिर अभी इस टाइम पे मुझे लगा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पेट दर्द हो रहा है मुझे, और तो फिर अब ये इनसे करवाऊंगी क्योंकि कल इनकी छुट्टी है। वैसे तो राजस्थान में ऑफिस बंद हो गए हैं, लेकिन मीडिया वालों के लिए कोई बंद नहीं होता है, तो इनका तो खुला है, लेकिन कल इनको ऑफ मिला है, तो कल भी ये थोड़ा बहुत यही खाना वाना पकाएंगे। मेरी तो अब तबीयत ख़राब रहेगी 2-3 दिन, तो इसलिए तो बस बेल खाएंगे फिर सो जाएंगे। एक व्लॉग अभी मैंने एडिट करके डाला है, शेड्यूल किया है, वो कल मिल जाएगा आपको, यानी कि कुछ 2-3 दिन बाद ये बात आपको पता चलेगी, क्योंकि ये व्लॉग ही अभी मैंने शुरुआत कर दी अब कल तक चला लेंगे इसको, है ना। तो चलो यार, बेल बेल खा के सोते हैं अब। तो कुछ दिन घर भी ऐसे ही रहेगा, किचन भी, ये जब काम करते हैं तो थोड़ी सी फैली रहती है, इसलिए तो बस ठीक है यार। जब 1-2 दिन मेरा पेट दर्द होता है तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट पे ही रहती हूँ, अभी कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करूँगी। तो चलो खाते हैं फिर मिलते हैं। अरे बहुत ज़्यादा नमक नहीं, मैं वेट लॉस फेस में हूँ, नमकीन भी थोड़ी कम डालो। बस ककड़ी थोड़ी डाली है, बिल्कुल मार्केट जैसी है, मस्त है। बेल के बाद खाया जा रहा है आम। रात के 12-12 बजे यहाँ पे पार्टी हो रही है। हमने खाया नहीं था खाना, 6 बजे 4-4 समोसे कितने खाए थे अपन ने, समोसे 3-3 थे क्या? बस यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था, तो बस मैं थोड़ा सा बेड शीट और जो है वो समेट रही थी, और बाकी और कोई काम उससे हो रहा नहीं था, तो बैठे बैठे वाले काम जो है वो कर दे रही थी। ये चाय वगैरह बना रहे थे किचन में, तब तक मैं नहा के आ गई थी, और मैंने कहा चलो ये समेट देती हूँ। ये किचन में बना रहे थे चाय, किचन हो रही है मैसी, तो माइंड मत करना यार, इसको इग्नोर कर देना इस गंदी सी किचन को, क्योंकि अभी मैं रात को नहीं कर पाई थी सफाई, क्योंकि रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने नहीं की, मैंने सोचा कि चलो रेस्ट ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय पियेंगे थोड़ा सा बाहर बैठ के, और आज इनका ना ऑफ था, तो इस वजह से थोड़ा सा जब ऑफ होता ना तो मैं ऐसे टाइम पर इनका फ़ायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो ये रहते नहीं है, तो तबीयत ख़राब में भी मुझे ही सारा करना पड़ता है, इनका टिफ़िन भी बनाना पड़ता है 5 बजे उठ के भी, चाहे कितनी तबीयत ख़राब हो। बट
प्रोडक्ट जब ऑफ होता है तो मैं सोचती हूँ चलो पतिदेव का फ़ायदा उठा लेते हैं, थोड़ी सी अपनी सेवा करवा लेते हैं, तो ऐसा है। और तो अब ये ना नाश्ता बनाने जा रहे हैं 9 बजे, तो क्या बनाने जा रहे हो? दो तीन चीज़ें सोची हुई, अंदर जाता हूँ फिर पता करते हैं क्या है सामान क्या नहीं है, और कुछ नई चीज़ बनाएंगे। नई चीज़ बनाओ, दो तीन सोच रहा हूँ। हाँ तो बहुत बना लिया तुमने वीडियो, अब क्या बनाओ? एक समोसे के कुछ आइटम रखे हुए हैं, समोसा बना सकता हूँ, हालांकि तो अभी तो तक बना बनाया ही है, फिर भी बनाया कभी नहीं ना, कैसे क्या करना कैसे करना। उसके अलावा एक सोचा हुआ है चीले बनाने का, बेसन से चीले बना दे। सूजी का भी अच्छा लगता है यार, बेसन से ज़्यादा तो सूजी का अच्छा रहता है चीला। कोशिश है अभी समोसे बनाने, पहले एक दो समोसे। मैं नहीं खाऊंगी यार तुम्हें तेल, क्या सुनो मेरे को तेल मत खिलाओ। और इसको सारा साफ करो, उसके बाद क्या इधर से उधर मेरे कपड़े मिला रहे हो यार। फिर अभी तक घर में झाड़ू भी नहीं लगी है और मेरा पेट बहुत तेज दुख रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने का काम कर रही हूँ ताकि आप लोगों तक कोई तो वीडियो पहुँचे। तो कल रात से नहीं हुई थी सफाई, तो थोड़ा सा मेरे को ही करना पड़ेगा, आदमियों से तो नहीं होती नहीं है, बोला तो इन्होंने ऐसे ऐसे कर दिया बस। तो कटोरी बनाओ, समोसा की ट्राई कर रहे थे, मैंने कहा कि कचौड़ी कर लो इसकी आलू की, और इसको दबाओ और अच्छे से, फिर थोड़ा सा आलू लेना इसमें डालना, उसको बंद करके आलू का भी गोल गोल थोड़ा सा बना लेना बॉल जैसे। बंद कर, तो ये मेरी प्लेट है, मैंने एक ले ली है और दो पापड़ तल के देखे थे तो वो ले लिए हैं, और बाकी तरबूज है ज़्यादा। इनकी प्लेट ये देखो मैंने बनाई, इन्होंने 4 थी बट मैंने नहीं ली क्योंकि अभी मैं वो तो करूँगी नहीं एक्सरसाइज वगैरह, तो फिर वेट बढ़ता जाएगा, इसलिए अभी इतनी मेहनत की है तो इसलिए मैंने ज़्यादा ये खाऊँगी मैं। बस जैसे जैसे इनको टाइम मिलता है और जैसे जैसे इनको लगता है ना कि हाँ अब मुझे कर लेना चाहिए तो कर देते हैं। फिर मैंने कहा यार जल्दी से सफाई करो, सफाई नहीं तो मैं बेड पे ही थी यार, बहुत दर्द हो रहा था मुझे, तो फिर इन्होंने झाड़ू पोछा कर दिया था, फिर नहाए थे, और तब तक फिर मैंने सोचा चलो भिंडी कट कर देती, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी हमने सोचा खा लेते हैं, तो भिंडी बना लेंगे ये और रोटी बना लेंगे, बस इतना ही, बस हम दोनों पति पत्नी में यही है क्या खाएं, बच्चा हो तो फिर भी लगता है कि यार कुछ अच्छा बनाए कुछ स्पेशल बनाए। और ये आलू रखा ही था तो इन्होंने अपने लिए आलू के पराठे बना लिए थे, मैंने 2 रोटियाँ अपने लिए बिना घी के इनसे निकलवा ली थी, तो बस यही था खाना, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, और जितना जितना मुझसे शूट हो पा रहा था ना उतना उतना, तो बस इन्होंने फर्स्ट टाइम ही आलू का पराठा मिला था इसलिए ऐसा है। सो फ्रेंड्स अभी हो गए हैं 5:22, और सुबह मैंने दवाई ली थी, थोड़ा ठीक हो गई थी तब, अभी वापस से दर्द होने लग गया, तो वापस से देखते हैं। अभी गए बाहर और अभी अपना काम ही कर रहे थे और कुछ चीज़ें लेने गए, कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अगर दूध वूध भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया तो 2-3 दिन का ले आओ साथ में, तो एक साथ ही आ जाएंगी ना तो सही रहेगा, बार बार बाहर निकलने का नहीं रहेगा, अभी बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है ना, इसलिए तो बस आके बोल रहे हैं चाय बनाऊँगा
मेरी हिम्मत नहीं है मेरे को, कल तो फिर भी कल तक मैं भी ठीक हो जाएगी। तो आज उन्होंने किया सारा काम ही है, झाड़ू पोछा भी कर दिया, सब कर दिया, खाना भी बनाया, नाश्ता भी बनाया। बट वही है ना कि आदमी से उतना नहीं होता है, तो नीचे नीचे की सफाई ये कर देते हैं, ऊपर जो सेटिंग होती है वो औरतें ही कर सकती हैं। तो बस यही है कि ये कर रहे हैं। और यहाँ पता नहीं छाला सो गया मुझे, पता नहीं किस चीज़ से। तो बस थोड़ा सा सेट सोचती हूँ, थोड़ा सा तबीयत ठीक हो तो घर को थोड़ा सेट करूँ, जगह पे रखूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को अच्छी स्वादी नहीं है। और अभी तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि मैं बेड पे ही हूँ, सुबह से ही बेड पे ही हूँ। अभी मैं सुती थी थोड़ा सा, बीच में सो भी गई थी, 2-3 घंटे के करीब मैं सो भी गई थी। तो तभी जब जाके आएंगे और लेके आएंगे सामान, उसके बाद चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा बाहर बैठ जाएंगे। यार शाम को मन नहीं लगता, इलू भी नहीं है तो फिर घुटन सी होती है। और मैं साथ में एक दिन से करीब बाहर नहीं निकली, कहीं गई नहीं, इधर उधर भी नहीं गई शायद। फ्रेंड्स, दोपहर हो गई है, दोपहर से शाम हो गई है, शाम को हम पी रहे हैं चाय। तो ये 2 कप मेरे हस्बैंड बना के लेके आए हैं। आज वो पूरे दिन भर मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है हस्बैंड लिखा हुआ। कोई भी क्लियर नहीं आता, ये बहुत यूँ वो करता है। फ्रेंड्स, मेरा मन हो रहा था दाल मखनी और चावल खाने का, तो लेकिन भिगोई नहीं थी सुबह। रुको, कितना हुआ? 2। तो एक और ले लो और थोड़ा सा, हाँ बस बहुत है। तो सुबह भिगोई नहीं थी, तो अभी 1 घंटे गर्म पानी में भिगो देंगे ना, तो हो जाएगा। और आज इनको दाल मखनी सिखाऊंगी, क्योंकि आदमियों को भी सब कुछ आना चाहिए बनाना, है ना। इसलिए तो जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं आजकल इनको खाना बनाना सिखाती हूँ। पहले ये नहीं बनाते थे, लेकिन अब कोरोना के चलते थोड़ा घर पे रहते हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्प करते थे। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम। आज घर भी बहुत गंदा सा हो रहा है, ये देखो सफाई होने के बावजूद। गर्म पानी चढ़ा दिया। थोड़ी सी हल्दी डाल दो, ज़्यादा नहीं पीली हो जाएगी, नहीं ये डाल दो तड़का, काली पड़ जाएगी नहीं तो हल्दी। दाल मखनी बनानी, पानी डाल लेना तो। बहुत गाढ़ी है, इसको खूब पकने दो। वही तो। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 9:30 हो चुके हैं, और टेस्टी सी दाल मखनी और राइस तैयार है। ये प्लेट लगाने के लिए गए, और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे भारी फील हो रहा था, बहुत ही गंदा वाला फीलिंग आ रही थी। तो फिर अभी मैं नहा के आई हूँ, और मैंने बहुत से फटे पुराने कपड़े पहनूँ नहीं ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। जो भी घिस गए होते हैं ना, जिनको पहनने पर फील ना हो के पहना है,
तो ऐसे वाली चीज़ों में मुझे नींद भी आती है, तो ये मैंने पहन लिया और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ यार थोड़ा सा हल्कापन फील हुआ, वरना होता नहीं। और यूजुअली मैं, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है ऐसे टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बट ये बोलते हैं कि हर टाइम पे तुम्हें करनी चाहिए, व्लॉगर हो तो हॉस्पिटल की भी करनी चाहिए, अपनी लाइफ व्लॉगर हो तो हर पहलू हर दिन से अवगत करवाना चाहिए तुम्हें, जो देखते हैं तुम्हें, तुम जिनको अपनी फैमिली मानते हो, जो लोग तुम्हें अपनी फैमिली मानते हैं, अपना मानते हैं। तो मैंने कहा चलो इस बार थोड़ा सा जैसा भी मुझसे हो पा रहा है वैसा मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि हाँ भाई कुछ दिन लाइफ के ऐसे भी जाते हैं हमारे कि कुछ अच्छे होते हैं कुछ अच्छे नहीं होते, तबीयत ख़राब होती है कभी, कुछ होता है कभी, कोई चीज़ हो रही होती है। तो कोशिश कर रही हूँ मैं कि हर तरीके की व्लॉगिंग मैं कर पाऊँ। तो बस अभी नहाके आई थी, अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बाल भी बारी बारी हो रहे हैं, तो मुझे यूँ लग रहा है कि कोई मेरी मालिश कर दे आके तेल से। तो इनसे बोल के देखूँ, वैसे तो ये बिज़ी रहते हैं, हमारा संवाद ही ज़्यादा नहीं होता है मेरा और इनका, ये अपने काम में बिज़ी, मैं अपने काम में बिज़ी। आज घर भी मतलब साफ़ सफ़ाई के बाद भी मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि साफ साफ है, पता नहीं क्यों। तो जब मेरे हाथ मेरा लगता है ना तभी मुझे अच्छा लगता है, साफ सफाई का जो रहता है ना तो कि पूरा ऊपर जब मैं साफ करती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। तो बस अभी खाना जो है ना बना कर ला रहे हैं, जब अगर मेरे कल ठीक हुई तबीयत तो मैं फिर सफाई वफाई में लग जाऊँगी, जो इतनी मैंने डीप क्लीनिंग और की थी ना इतने दिन, आज मुझे लग रहा है कि सारा वो डीप क्लीनिंग और होगा ना कचरा हो गया, क्योंकि आज मैंने नहीं किया। एक दिन भी मैं नहीं करूँ ना तो मुझे चैन नहीं पड़ता, हालांकि ये कर चुके लेकिन वही मैंने बताया था ना नीचे नीचे की हुई है। तो चलो यार इनू का भी वीडियो कॉल आ रहा है और हम भी थोड़ा खाना खा लें, काफ़ी टाइम हो गया। और इस टाइम पे मैं जब मेरी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है तो मैं कोई डाइटिंग शाइटिंग में नहीं रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के कभी भी, मेरी डाइट वैसे भी इतनी ज़्यादा नहीं है। चलो खा लेते हैं, बैक पेन भी हो रहा है। तो ये देखिए ये रही दाल मखनी, ये रहे राइस, इन्होंने ही परोसा है इसलिए तो ये बोल रहे थे बटर डालने को, मैंने कहा मैं तो नहीं डलवाऊँगी बटर शटर अपने में, ये अपनी में डाल सकते हैं, मैं नहीं डलवाऊँगी। चलो खा लेते हैं पहले। थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ, बहुत सर भारी भारी लग रहा है इसलिए इनको काम के बीच में डिस्टर्ब कर रही बट अभी अभी यहाँ तो मेरी मम्मी है नहीं तो इनको ही करना पड़ेगा ऐसे ऐसे मैंने सुबह से बाल भी नहीं सुलझाए। तो ये था नेक्स्ट डे, ये तो चले गए थे सुबह, इनका टिफ़िन विफिन बना दिया था, तबीयत मेरी इतनी ठीक नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा तेल लिया 1-1.5 चम्मच के करीब और अपने लिए कुछ बना रही हूँ, मुझे भूख लग गई थी। और इन्हें जो मैंने टिफ़िन दिया था वो मैंने अपने लिए नहीं बनाया था क्योंकि, तो मैंने राई डाल दी है, हींग डाल दी है, प्याज डाल दी है और हरी मिर्च डाल दी है, इनको पकने दूंगी। मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट्स का उपमा, ये देखिए हींग डाल दी मैंने और ये थोड़े से टमाटर, थोड़े से नहीं 2 टमाटर, मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा प्याज होते हैं ना तो ओट्स का उपमा अच्छा लगता है। कुछ चटपटा
खाने का मन था, तो मैंने ना नमक मिर्च और हल्दी डाल दी, नमक सेंधा ही डाला है, और थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे, फिर थोड़ा और पानी डाल देंगे और ओट्स डाल देंगे, तो ओट्स का उपमा जो है वो तैयार हो जाता है। डाइटिंग पे हो तो ओट्स बहुत सही रहता है, इसमें फाइबर होता है, तो फिर हमारा पेट भी ज़्यादा देर के लिए भरा रहता है। थोड़ा सा टेस्ट को अच्छा करने के लिए मैंने मैगी मसाला डाल दिया है, और बस ये बाहर जैसा ओट्स होते हैं ना, जैसा मिलता है वो वाला जैसा बन जाता है, तो बस ये बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसे खा लेती हूँ, जैसे जैसे हो पा रहा है वैसे वैसे मैं शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे हो गई थी बारिश, आजकल डेली ही मौसम ख़राब रहता है। ये आए थे बीच में, बट ना वापस इनको जाना था तो ये चले गए थे, 10-15 मिनट के लिए आए होंगे बस, और ये जा रहे थे ऑफिस। तो थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ यार, ये 2 दिन का मिलाकर व्लॉग है। और संडे की रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, ये मंगलवार है शायद। बहुत अच्छे होंगे, आज है 20 तारीख और टाइम हो चुका है 4:15, और सुबह से सोच रही हूँ कुछ करूँ, व्लॉग स्टार्ट करूँ, तो हल्का हल्का मैंने स्टार्ट किया। मैंने ओट्स का उपमा बनाया था, और अभी बारिश हो रही थी तो वो थोड़ा सा शूट किया ज़रा सा, और आज मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा है कुछ भी करने का। वैसे मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक थी आज सुबह से, लेकिन तो थोड़ी बहुत सफाई की मैंने, फिर पता नहीं आज मेरे यार गले में बहुत दर्द हो रहा है, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन दर्द हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है गले में। आजकल थोड़ा सा भी जुकाम हो जाएगा या गले में दर्द हो जाता है तो फिर डर लगता है यार। और आजकल तो मैं पता नहीं क्या क्या सुन रही हूँ, 3rd दिन ही हो जा रहे हैं लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है अजीब सा, और गला में थोड़ा सा खिचकी, जैसे कुछ खिचखिच वाला दिखाते हैं ना ऐड पे, यूँ यूँ वो होते हैं वो हो रहा है। तो फिर मैं वापस पड़ गई, आए थे बीच में, फिर मैं वापस बेड पर पड़ गई हूँ। सोच रही हूँ तैयार हो जाऊँ मूड अच्छा करने के लिए, थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना लूँ, बट यार जो मेरा चैनल है ना ब्यूटी चैनल, उस पर कभी यार एक सीढ़ी पार हो चुकी है, 1000 जो है ना सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं हमें, तो 1000 फैमिली मेम्बर्स जो है मेरे हो गए हैं उस चैनल पर, ब्यूटी वाले चैनल पर। अब मुझे वॉच आवर्स चाहिए, उसमें से वॉच आवर्स भी हो गए थे, और पता है उसमें वायरल भी हो रही थी वीडियो, फिर मैंने उस पर काम ही छोड़ दिया। तो अभी सोचा था कि वापस उस पर लग जाऊँ, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊँ, ब्यूटी टिप्स दूँ, बालों के लिए, फेस के लिए होममेड जेल और सब कुछ, सीरम वगैरह बनाना बताऊँ, मन ही नहीं करता है पता है। एक ही चला रही हूँ वही बता, एक तो ईलू नहीं है तो मेरा बिल्कुल ही नहीं होता है, और अभी ऐसा मौसम हो रहा है ना तो ईलू ऐसे मौसम में बाहर भाग जाती थी, उसको बहुत पसंद आता है ऐसा मौसम। आज बीकानेर में भी सुबह बारिश हुई थी, तो सोच रही हूँ थोड़ा, देखो नेल पेंट भी मेरा ख़राब हो गया, उतर ही गया है, तो ये भी चेंज कर लूँ, और ये आएंगे तब देखेंगे, खाने का तो पता नहीं क्या है, तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, आज कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है मेरा, देखते हैं क्या करती हूँ। तो ड्रेस चेंज कर लूँगी, थोड़ा तैयार हो जाऊँगी, व्लॉगिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, तबीयत खराब में भी अच्छा लगने लगता है, लेकिन अगर कुछ ना करो तो फिर ऐसे ही लगता है। और बाहर भी अच्छा मौसम हो रहा है लेकिन बाहर जाने का भी मन नहीं हो रहा है, और मैं तो बाहर निकली भी नहीं कितने दिन से, 6-7 दिन हो गए होंगे मैं बाहर नहीं निकली, गाड़ी में भी नहीं गए, शायद मैं गाड़ी में भी चक्कर निकालने नहीं गई, क्योंकि अभी कर्फ्यू और हो गया था ना अभी शुक्रवार से, बुधवार को भी नहीं गए थे, मोटी डूंगरी भी जाना छोड़ दिया था तो गए नहीं, तो भी पता नहीं मेरे गले में क्यों दर्द हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है ऑफिस जाने लग गए हैं, तो पता नहीं क्या हो जाएगा यार। तो चलो यार देखती हूँ, तैयार होती हूँ फिर देखते हैं, हल्का फुल्का ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ कि फिर गैप होता है तो फिर वो चैनल के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और आप लोग भी मिस करते हो, 1-2 दिन में जब छोड़ देती हूँ तो डेली ब्लॉग डाला करो, डेली डाला करो, तो इसलिए तो चलो तैयार होने की कोशिश करती हूँ। बस यहाँ पे उठ गई थी और चेंज करना था मुझे, एक वीडियो भी 1-2 शूट करनी थी दूसरे वाले चैनल के लिए, तो उस पर मैंने एक फेशियल जो इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग वाला जो है उसकी छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, प्राचीज ब्यूटी वर्ल्ड है दूसरे चैनल का नाम, तो उस पर मैंने ये किया था, और ये राइस वाला था, और इसमें क्या क्या मैंने मिक्स किया था वो उसमें आप देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा हो तो। ये शूट किया, फिर मैंने इस चैनल के लिए भी थोड़ा थोड़ा शूट किया, तो ऐसे करके तो मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। मैंने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनाई है, देखना अगर अब तक नहीं देखी है तो, इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग वाला फेस पैक जो है वो बनाया था, और वही अभी मैंने किया है फेस पे, आपको फ़र्क दिख रहा होगा। ये किचन में ये आ गए हैं, ये बनाने भेल और चाय, तो बाहर बैठेंगे, मौसम अच्छा था, और सच में यार थोड़ा सा तैयार होके अच्छा फील हुआ, उठ गई ना काम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे अच्छा फील हुआ,
तो देखो अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, तो मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तो मेरी सारी टेंशन छू, मतलब मेरा गला भी सही हो गया ऐसा लग रहा है। उस टाइम में मेरे को टेंशन हो गई थी कि मेरा गला खराब हो रहा है, मैं क्या हो जाएगा क्या नहीं। तो चलो बाहर जाएंगे चाय पी के बेल खाएंगे। ये आ गई है मेरी चाय और बेल, और घर ना मैसी हो रहा है यार, माइंड मत करना क्योंकि दो दिन से मेरी तबीयत खराब है। ये देखो ये ना यहाँ पे आम का पेड़ है, दिख रहे हैं आम कैरियाँ, देखो ये वाले ये आम है। और इस पेड़ में भी ना 5-10 साल में फल आने स्टार्ट हुए, पिछले साल से यही, पहले इसमें फल नहीं आते थे। तो ये कैरियाँ हैं, वैसे ना तेज़ हवा चलती है तो इसमें से सारे नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने कहा चलो दिखाऊँ आम आप लोगों को। ये देखिए फिर ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था। ये देखिए जुगाड़ चल रहा है, ये टेप है मोटी वाली और एक ये वो है। तो ये पता है किस चीज़ का जुगाड़ चल रहा है, इस घर में जुगाड़ करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ये जंगला था, यहाँ पे इससे बहुत मोटी मोटी छिपकली आ जाती है यार गर्मियों में। तो फिर इन्होंने कहा यहाँ पे कुछ लगा देते हैं तो इनको छिपकलियों को आने का वो नहीं मिलेगा रास्ता, तो फिर यहाँ पे लगाई, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।